नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्ष को लगा बड़ा झटका, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल किले से छोटे किसानों को मजबूत करने का लिया संकल्प। जी हां, पीएम मोदी ने कहा हमारा मंत्र है छोटा किसान बने देश किसान। तो अब पीएम मोदी के ऐलान के बाद कांग्रेस सहित टीएमसी की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आती दिखाई पड़ी है। जी हां, एक तरफ जहां किसान आंदोलन की आर्मी विपक्षी देश को भड़काने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से छोटे किसानों को मजबूत करने का संकल्प लिया और उनके लिए भविष्य में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का वादा किया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी की बौखलाहट भी अब सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। जहां एक और कांग्रेस के नेता एक बार फिर से कृषि कानून का राग अलापने दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों को ट्वीट करते हुए कोट करते हुए अपनी मानसिकता को दिखाने का काम किया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देशवासियों को संबोधित किया और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए और साथ ही साथ अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ये भी कहते हुए दरअसल दिखाई पड़े थे कि हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जहां पर कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के जीवन में इंटरफेयर ना करे। तो उसी कोट को रिट्वीट करते हुए उस पर तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा ने अपनी मानसिकता को प्रदर्शित किया है और अपने ट्विटर हैंडल से दरअसल आपको बता दे कि पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को कोट करते हुए ये कहते हुए महुआ मोइत्रा दिखाई पड़ रही है कि ये अप्रैल फूल डे है या फिर स्वतंत्रता दिवस है। जी हां, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से पिछले लंबे समय से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अप्रैल फूल का जो पूरा माहौल बना रखा है, क्यों नहीं इस पर महुआ मोइत्रा कोई सवाल खड़े करती हैं। किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने लोगों को भगाने का वहां पर काम किया है, जो किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में की गई है और किस तरीके से जिस ममता बनर्जी ने जिस मुख्यमंत्री ने अपनी प्रजातंत्र की रक्षा करने का जो वादा किया था, कैसे उन्हीं की भक्षक बनती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ी है। लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति को लेकर आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा कोई तंज कसती हुई दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री छोटे किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने की बात करता है, तो लगातार हर बार की तरह इन तमाम विपक्षों की बौखलाहट सामने आने लगती है और किस तरीके से सरकार को कोसा जाए, किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के पैंतरे अपनाने का काम किया जाता है, जो आज एक बार फिर से टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के नेता हालांकि करते हुए दिखाई पड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो बड़े फैसले किए गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की भी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है, जिसमें कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में केवल योजनाओं के बारे में घोषणा करने और उन्हें लागू नहीं करने का दरअसल आरोप लगाया है और उन तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के लिए भी सरकार पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी निशाना साधते हुए दिखाई पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह दरअसल बयान सामने आया है कि जो तथाकथित किसान, जो हम कह सकते हैं वो लंबे समय से जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन तमाम किसानों के खिलाफ, किसान कृषि बिल के खिलाफ जो किसान विरोध कर रहे हैं, उस कृषि कानून बिल को सरकार वापस करे। जी हां, दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ तमाम विपक्षी नेताओं की वो बौखलाहट है जो लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने के लिए तमाम विपक्षी नेता जो हथकंडा इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से विपक्षों को करारा जवाब देते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले किसानों के हित में लिए हैं, दरअसल ये बड़ी वजह कि आज एक बार जब फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों को मजबूत और सशक्त बनाने का जो निर्णय लिया है, तो ये तमाम जो वामपंथी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना और खालिस्तानियों के एजेंडे पर काम करते हैं, जो कि उनकी बौखलाहट एक बार फिर से सामने आई है और दरअसल यही बड़ी वजह की एक के बाद एक बड़े फैसलों को लेकर लगातार इन विपक्षी नेताओं को मिर्ची लगती भी दिखाई पड़ी है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए छोटे किसानों की मजबूती पर जोर देते हुए कई बयान दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा मंत्र है कि छोटा किसान बने देश किसान, इस लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। गांव किसान की जमीन को
विवाद का नहीं बल्कि विकास का आधार बनाने पर काम हो रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि सरकार देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। बंटवारे के कारण जिस तरीके से गांव में जमीन की जोत छोटी हो रही है, देश के 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं। पीएम ने इस दौरान यह भी साफ तौर पर कहा कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक क्षमता का इस्तेमाल होना जरूरी है और अब इस मामले में ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता। तो तमाम बड़े फैसले दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किए हैं और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और ज्यादा मजबूत करना होगा और ज्यादा बढ़ाना होगा और उन्हें नई सुविधाएं देनी होंगी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए साफ तौर पर कहा, उन पर तंज कसते हुए कि पहले जो देश में नीतियां बनाई गई थी उनमें इन छोटे किसानों पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था वो नहीं किया गया था, लेकिन अब इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। और MSP का भी जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना किया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और आने वाले समय में साफ तौर पर ब्लॉक स्तर पर अनाज के भंडारण के लिए भी भंडारण सुविधाएं खड़ी करने की योजना चलाई जा रही। तो तमाम कई योजनाओं का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान MSP पर भी बोलते हुए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि छोटे किसानों के खातों में डाली जा चुकी है और इसके अलावा 70 से कई ज्यादा अधिक मार्गों पर किसान रेल चलाई जा रही, जिसको लेकर इन रेलों के जरिए कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने पर भेजा जा रहा है। इसे किसानों को सस्ते भाड़े पर उनके उत्पाद मंडियों तक भी पहुंचाए जा रहे हैं जहां पर उनकी मांग है। वहीं इस दौरान यह भी साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई पड़े कि किसानों के लिए उनकी जमीन के आधार पर बैंकों से कर्ज दिलाने की सुविधा वाली स्वामित्व योजना का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि देश में ड्रोन के जरिए काम किया जा रहा है, दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है, इससे बैंकों से आसानी से कर्ज मिल रहा है और गांव की जमीन विवाद का नहीं बल्कि विकास का आधार बन रही है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जो विकास के आधार पर अब विकास की ओर जो पथ पर आगे बढ़ते हुए किसान साफ तौर पर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा रहे हैं। तो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, तमाम TMC के नेताओं को मिर्ची लगती हुई दिखाई पड़ रही है। वही इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर एक और बड़ी समस्या का जिक्र इस दौरान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के हर ब्लॉक में वेयर हाउस बनाने की योजना भी चलाई जाएगी। दरअसल वेयर हाउस के अभाव में किसानों को या तो औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता था या फिर उन्हें वो खराब उनकी फसल हो जाती थी जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी फंड बनाया है जिसके तहत अब ये किसान अपनी बर्बाद हुई फसलों को बचा पाएंगे। और इसीलिए दरअसल ये बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर TMC के नेता अब बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को और ज्यादा भड़काने में आग में घी डालने का काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, आज एक बार फिर से उसकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। और वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर चाहे वो बड़ा किसान हो फिर चाहे वो छोटा किसान हो, हर एक किसानों को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और किस तरीके से कृषि कानून बिल को लागू करने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बिचौलियों को खत्म करते हुए दलाली, जो दलाल अब तक किसानों के बीच में कर रहते थे, वो जो मोटा मुनाफा कमाकर किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता था उसको जो खत्म करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल ये बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से इस किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम किया जाए, किस तरीके से इस आंदोलन को और ज्यादा भड़काकर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जाए, तमाम हथकंडे हालांकि तमाम विपक्षी पार्टी अपनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिस तरीके से
पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से छोटे किसानों को मजबूत और सशक्त करने का जो संकल्प लिया है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार देश में किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक बड़े फैसले को स्वीकार किया है, उनके फैसले का सम्मान करते हुए दिल से उसका स्वागत किया है। लेकिन कुछ ऐसे अराजकता वाले लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में, इस कृषि कानून बिल की आड़ में देश में दंगे को भड़काना चाहते हैं और इसीलिए लगातार खालिस्तानियों की ओर से बनाए गए एजेंडे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम ममता बनर्जी कैसे किसानों का लगातार समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रही हमने देखा था, और कैसे एक तबका किसान का वो भी है जो खेतों पर इन दिनों काम कर रहा है और मोदी सरकार की ओर से जारी किए गए एक के बाद एक बड़े फैसलों का सम्मान कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल कुछ तथाकथित किसान जो सिर्फ और सिर्फ देश में दंगों को भड़काना चाहते हैं, जिनके आका कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और टीएमसी पार्टी के बड़े बड़े नेता है, और इसीलिए आज एक बार फिर से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों को मजबूत करने का संकल्प लिया है तो तमाम विपक्षी नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं महुआ मोइत्रा तो कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले के बाद ही विपक्षी पार्टियों को झटका लगा है, और इसीलिए अब पीएम के ऐलान के बाद कभी महुआ मोइत्रा तो कभी कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।